गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने प्रोनाउन के डेफिनेशन और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने प्रोनाउन की डेफिनेशन आपको बताई थी कि प्रोनाउन वो वर्ड होता है दैट रिप्लेसेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। इसके अलावा हमने एंटीसीडेंट के बारे में भी बात की, रेफरेंट के बारे में भी मैंने आपको बताया। एंटीसीडेंट के बारे में बताया था कि जो फर्स्ट नाउन होता है दैट इज़ कॉल्ड एंटीसीडेंट, और उसके रिप्लेस में जो प्रोनाउन यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड रेफरेंट। उसके बाद में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, जिसमें पर्सनल प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउंस, इनडेफिनेट प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंटेंसिव या हम इम्फैटिक प्रोनाउंस भी कह सकते हैं, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। ये टाइप्स मैंने आपको बताए थे। और इसके अलावा हमने प्रोनाउन के चार्ट को भी देखा था, जिसमें हमने एक और भी लिया था प्रोनाउन के चार्ट का। इसमें हमने पर्सन्स के बारे में भी बात की, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल बोथ, सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और पजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, इसके अलावा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोनाउन, हम कई बार इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स या लर्नर्स जो हैं उनके मुंह से मैंने सुना है प्रोनाउंस, जबकि इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है प्रोनाउन। तो आज हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस में फर्स्ट हमारा जो प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउंस, इसको हम डिटेल में देखेंगे। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, डेफिनेशन लिखी है मैंने। पर्सनल, इसमें जो आर है वो साइलेंट होता है, तो हम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे। पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ पर्सन्स नेम, किसी भी पर्सन का नेम, ऑफकोर्स कोई नाउन, ठीक है, उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में हम पर्सनल प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। और देयर आर टू काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, दो तरह के पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। कहने का मतलब ये है कि जो पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं वो या तो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहलाएंगे या वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होंगे। दे आइदर एक्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, या तो वो किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होंगे जिन्हें सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाएगा, या फिर वो द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में होंगे और उन्हें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहा जाएगा। इसकी दूसरी डेफिनेशन देखिए, पर्सनल प्रोनाउंस रेफर टू वन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस होते हैं या सेकंड पर्सन प्रोनाउंस होते हैं या थर्ड पर्सन प्रोनाउंस होते हैं, उनको रेफर करते हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन है। जैसे मैंने यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में लिखा हुआ है, आई, ऑफकोर्स एक पर्सनल प्रोनाउन है, सिंगुलर के रूप में इसे यूज़ किया जाता है, वी, यू, ही, शी, इट, दे, तो दे ऑल आर नोन एज पर्सनल प्रोनाउंस। अब हम इसके काइंड्स, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउंस जो है कहाँ कहाँ पर यूज़ हो सकते हैं, एक तो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जा सकता है इनको, जिन्हें हम सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहते हैं, और सेकेंडली ऑब्जेक्ट के रूप में, किसी भी सेंटेंस का अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो उसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाएगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। दे एक्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का अगर कोई सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो हम उसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे, और वे कौन कौन से हो सकते हैं, आई, यू, ही, शी, इट, इस सिंगुलर के रूप में होंगे, वी एंड दे ये प्लूरल के रूप में होंगे। यानी कि इनको सब्जेक्टिव प्रोनाउन इसीलिए कहा गया है कि दे एक्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस,
ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में या सब्जेक्ट के रूप में, ऑफ कोर्स हम सब्जेक्ट के रूप में या तो किसी नाउन को यूज़ करेंगे या किसी प्रोनाउन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउंस को हम यूज़ करते हैं। और कुछ एग्जाम्पल भी देखिए, आई डोंट वॉन्ट टू लीव नाउ, यहाँ पर हमने आई जो है ये एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ऑफ कोर्स ये पर्सनल प्रोनाउन का, पर्सनल प्रोनाउन तो है ही सही, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन में भी ये एक सब्जेक्ट रूप में है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ही रन्स अ ग्रेट शॉप इन टाउन, द वेंट टू द स्टोर, शी लर्न कंप्यूटर, इट हेल्प हर अलॉट। तो यहाँ पर ये जितने भी आई, ही, दे, शी, इट, ये सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं। और ये किस कैटेगरी के में आते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड जो इसकी टाइप था सब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद, वो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। दे एक्ट एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में। यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ आता है? आफ्टर द वर्ब, वर्ब के जस्ट बाद हम ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। और अगर वो ऑब्जेक्ट अगर नाउन है, कोई प्रोनाउन है हमारा, तो वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाएगा। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं, हमने चार्ट में भी इसके बारे में डिस्कस किया था, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस के बारे में डिस्कस किया था हमने, फिर हमने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस के बारे में भी बताया था मैंने आपको। यहाँ पर कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं? मी, यू, ये ऑफकोर्स जो मी बना है ये आई से बना है, यू जो बना है ये यू से बना है, और ही जो है, ही का जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो हिम है, हर जो है वो शी से बना है, इट ये किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ होता है, अस ऑफकोर्स ये वी से बना है, और देम जो है ये दे से बना है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस है, एंड वेयर वी यूज देम? आफ्टर द वर्ब और एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। जैसे देखिए एग्जाम्पल, प्लीज डोंट सिट बिसाइड मी, तो डोंट सिट बिसाइड मी लास्ट में हमने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज किया। गो एंड टॉक टू हर, और यहां पर हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते, हम यू नहीं कह सकते गो एंड टॉक टू शी, दैट इज रॉन्ग। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में, दोनों का प्लेस फिक्स है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज स्टार्टिंग में होगा और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का जो यूज है वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया जाएगा। मैरी पुट द गिफ्ट अंडर इट, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑफ कोर्स इट का यूज हम एज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी करते हैं, लेकिन ये यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में है। डोंट लुक एट देम, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है देम। तो ये हमने पर्सनल प्रोनाउंस को देखा। पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं ये एज अ सब्स्टिट्यूट यूज किए जाते हैं नाउन के रूप में, या नाउन को रिप्लेस करते हैं ये। और इनके हमने टू काइंड्स को देखा, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। सेकंड हमारा जो टाइप है प्रोनाउन का वो है पजेसिव प्रोनाउंस। पजेसिव प्रोनाउंस शो ऑनरशिप, ये एक ऑनरशिप के बारे में या पोजीशन ऑफ अ नाउन उसको शो करते हैं। और यानी कि हम पजेसिव प्रोनाउंस के बाद हमेशा कोई ना कोई ऐसा नाउन यूज करेंगे जो एक तरह से वो पोजीशन को शो कर रहा हो या ऑनरशिप के बारे में बताता हो। दे आर माई, अब ऑफ कोर्स माई के बाद हम कोई ऐसा नाउन लेकर आएंगे जो हमसे रिलेटेड होगा, जैसे माई मोबाइल हो गया, माई पेन हो गया, तो ये एक ऑनरशिप और पोजीशन को शो कर रहा है। योर, योर लैपटॉप, हिज, कुछ भी हो सकता है, हिज मोबाइल हो सकता है, हर, हर पाम टैब हो सकता है, देयर, देयर इमेजेस हो सकती हैं, कुछ भी। एग्जाम्पल देखिए, इज दैट माई बुक, यहां पर हमने माई का जो यूज है वो पजेसिव प्रोनाउन के रूप में किया है। नाउ दैट इज हिज बुक, यानी कि पजेसिव प्रोनाउन जो है एक ऑनरशिप को लिए हुए होती है और इसका जो यूज है सेंटेंस में कहीं भी किया जा सकता है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने देखा कि इज दैट माई बुक, नाउ दैट इज हिज बुक। और आपको ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जितने भी पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं
इनके बाद हमेशा दे ऑलवेज टेक अ नाउन. आई वुड लाइक टू सी देयर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस. यहाँ पर भी आर जो है साइलेंट है. आई वुड लाइक टू सी देयर परफॉर्मेंस. तो माई, हिज, देयर, इनके बाद हम हमेशा किसी न किसी नाउन का यूज करते हैं. हाउ एवर देयर आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट पजेसिव प्रोनाउंस. अब इंडिपेंडेंट पजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट, जो किसी पर डिपेंड नहीं होते. ऑफकोर्स हमने चार्ट में दो तरह के प्रोनाउंस के बारे में डिस्कस किया था, पजेसिव एडजेक्टिव्स और पजेसिव प्रोनाउंस. यहां हम वही डिफरेंस देखेंगे कि इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस जो होते हैं, पजेसिव प्रोनाउंस, दीज प्रोनाउंस रेफर टू अ प्रीवियसली नेम्ड और अंडरस्टूड नाउन. यानी कि वो नाउन जिसको हम प्रीवियसली मेंशन कर चुके हैं, नो नीड टू से अगेन और मेंशन अगेन. दे स्टैंड अलोन, ये अकेले होते हैं, यानी कि इनके साथ कोई नाउन नहीं होती. एंड आर नॉट फॉलोड बाई एनी अदर नाउन. दे आर माइन, ऑफकोर्स जैसे या तो कहें दिस इज माई मोबाइल या कहें दिस मोबाइल इज माइन. योर्स, हिज, हर्स, इट्स, यहां पर हम विदाउट नो अपोस्ट्रॉफी. देखिए आपने कई बार देखा होगा कि इट्स आई ओ टी के बाद एक अपोस्ट्रॉफी यूज की होती है, ऊपर कॉमा लगा होता है. और कई बार आप विदाउट अपोस्ट्रॉफी की देखते हैं इट्स, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जो इट्स है ये तो जो है पजेसिव एडजेक्टिव है, और जहाँ पर कॉमा लगा होता है वो किसका कॉन्ट्रैक्शन है? इट इज. जैसे या कहें इट इज़ माई मोबाइल या कहें इट्स माई मोबाइल, तो वहाँ पर जो इट्स है, इट इज़ माई मोबाइल, तो वहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्शन है इट इज़ का. और ये एज अ पजेसिव प्रोनाउन यूज किया गया है, पजेसिव एडजेक्टिव. अभी हम बात करेंगे कि पजेसिव, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पजेसिव एडजेक्टिव्स एंड पजेसिव प्रोनाउंस. एग्जाम्पल देखिए, हुज बुक इज दिस. तो इस ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बुक जो है किसकी है? दैट इज योर्स, ये तुम्हारी है. नो इट इज माइन, ये मेरी है. हुज बुक इज दिस, इसका आंसर हमने क्या दिया या क्या कहा गया, मतलब जिसने कहा है वो कह रहा है कि दैट इज योर्स, क्या ये तुम्हारी है? नो इट इज माइन, ये मेरी है. तो यहां पर हमने योर्स और माइन का यूज किया. हम चाहें तो ये भी कह सकते हैं दैट इज योर बुक, नो इट इज माई बुक. कहने का तरीका जो है अलग है पर मीनिंग सेम है. आई सपोज दोज क्लॉथ्स आर योर्स, दोज क्लॉथ्स आर योर्स. नो इट इज देयर्स, क्लॉथ्स के लिए हम ऑफकोर्स क्लॉथ्स जो है नॉन लिविंग थिंग है तो हम इट का यूज करेंगे. इट इज देयर्स, ये तुम्हारे नहीं है, ये तो उनके हैं. इट इज योर कैमरा. अब यहां पर इट इज का कॉन्ट्रैक्शन यूज किया गया इट्स, तो ये इट्स जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है या ये प्रोनाउन नहीं है, ये इट इज का कॉन्ट्रैक्शन है. इट्स योर कैमरा. नाउ इट इज, और यहां पर भी जो इट इज है वो इट्स यूज किया गया है. इट्स हर्स. आगे देखिए नॉट, ये जो नॉट है ये आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा, क्योंकि हमने चार्ट में देखा था कि पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन. यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया है अभी, हम किसके बारे में बात कर रहे थे? पजेसिव प्रोनाउंस के बारे में. और इसको देखिए, पजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? इन इंग्लिश ग्रामर माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, योर एंड देयर आर कॉल्ड और नोन एज पजेसिव एडजेक्टिव्स. जैसा कि मैंने आपको चार्ट में भी बताया था, ये प्रोनाउन का जब चार्ट मैंने आपको दिखाया था, शो किया था कि ये जो सारे हैं, चाहे माई हो, योर हो, हिज, हर, इट्स, आर, योर एंड देयर, इन्हें क्या कहा जाता है? पजेसिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है. एंड एज दे ऑलवेज टेक अ नाउन, क्योंकि इनके बाद किसी न किसी नाउन का यूज हमेशा होता है. यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव जो है प्लस नाउन. While
जबकि माइन योर्स हिज हर्स आर्स एंड डेयर्स आर कंसिडर्ड एज पजेसिव प्रोनाउंस. जबकि माइन हो गया, योर्स हो गया, हिज हो गया, हर्स हो गया, आर्स हो गया एंड डेयर्स, ये सारे पजेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड वॉट आर पजेसिव एडजेक्टिव्स एंड वॉट आर पजेसिव प्रोनाउंस एंड हाउ दे यूज, हाउ दे आर यूज, उनको कैसे यूज किया जाता है. थर्ड नेक्स्ट हमारा है इनडेफिनेट प्रोनाउंस. इनडेफिनेट नाम से ही पता चल रहा है, जो चीज डेफिनेट नहीं है, जो चीज सर्टेन नहीं, जो स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है. जैसे देखिए, इनडेफिनेट प्रोनाउंस डू नॉट पॉइंट आउट टू पर्टिकुलर नाउंस, किसी भी पर्टिकुलर नाउन के बारे में ये पॉइंट आउट नहीं करते हैं, उसको रेफर नहीं करते हैं. वी यूज देम व्हेन एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, और अ पर्सन डोंट नीड टू बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड. यानी कि इनडेफिनेट प्रोनाउन का यूज तब किया जाता है जब उन्हें, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, कोई पर्सन हो गया, या कोई नाउन हो गया, उन्हें हम स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई ना करें, उन्हें आइडेंटिफिकेशन की कोई नीड ना हो. दे रेफर टू सम इनडेफिनेट पर्सन, वो किसी न किसी इनडेफिनेट पर्सन को, या हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट को, इनडेफिनेट पर्सन या ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं. जैसे वे कौन कौन से हो सकते हैं, एवरीवन, एवरीबडी. आपने देखा होगा इंग्लिश ग्रामर में एवरीवन का भी यूज़ किया जाता है और एवरीबडी का भी यूज़ किया जाता है. कहीं सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि एवरीवन और एवरीबडी व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस. बेसिक डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों का मीनिंग सेम है. एवरीवन का यूज़ फॉर्मल वे में किया जाता है, यानी कि अगर आप कहीं पर राइटिंग स्किल्स आप यूज़ करते हैं, या कहीं पर कुछ लिख रहे हैं आप, कोई भी चीज़ फॉर्मल, किसी को लेटर लिख रहे हैं ऑफिशियल, या कोई भी ऑफिशियल काम कर रहे हैं आप, या आप किसी एग्जाम में भी अपीयर हो रहे हैं, वहाँ पर आप कुछ ऐसे वगैरह पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो वहाँ पर आप एवरीवन का यूज़ करें, क्योंकि दैट इज़ द फॉर्मल वे. एवरीबडी ये इनफॉर्मल वे है. ऑफकोर्स स्पीकिंग में या डेली कन्वर्सेशन में हम एवरीबडी का यूज़ कर सकते हैं. वैसे ही समवन और समबडी है, एनीवन और एनीबडी है, नो वन और नोबडी है, ये सारे पर्संस के लिए यूज किए जाते हैं, यानी कि लिविंग या ह्यूमन बींग्स के लिए हम यूज़ करते हैं. एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, ये सब फॉर्मल वे में यूज़ होते हैं. और उसी तरह से एवरीबडी, समबडी, एनीबडी एंड नोबडी, ये इनफॉर्मल वे में इनको यूज़ किया जाता है. डिफरेंस कुछ नहीं है दोनों का, इन सब एवरीवन एवरीबडी या समवन समबडी या एनीवन एनीबडी या नो वन नोबडी, द बोथ आर सेम इन मीनिंग. आगे देखते हैं एवरीथिंग. ये सब इनडेफिनेट प्रोनाउन है क्योंकि ये किसी डेफिनेट पर्सन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं. जैसे एवरीवन, एवरीवन कोई भी हो सकता है, समवन कोई भी हो सकता है, एनीवन कोई भी हो सकता है, उसी तरह से नो वन. एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये थिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है. और भी इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं, जैसे ऑल इनडेफिनेट प्रोनाउन है, फ्यू इनडेफिनेट प्रोनाउन है, सम ये भी इनडेफिनेट प्रोनाउन है, एनी, मच, मैनी, बोथ, मोस्ट, नन, लिटिल एट्सेट्रा, ये सारे जो हैं ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहलाते हैं. और ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी पर्टिकुलर नाउन को पॉइंट आउट नहीं करते हैं. चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं हम. जैसे एवरीवन इज हियर ऑलरेडी, तो यहां पर ये पर्टिकुलर किसी पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इनडेफिनेट प्रोनाउन. एवरीवन इज हियर ऑलरेडी. आई डोंट हैव एनी पेपर नैपकिन्स, कैन यू ब्रिंग सम. आई डोंट हैव एनी पेपर नैपकिन्स, कैन यू ब्रिंग सम. तो यहां पर सम जो है ये किसी डेफिनेट चीज को या डेफिनेट पर्टिकुलर नाउन को
इंडिकेट नहीं कर रहा है, और नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, नन ऑफकोर्स एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है, ऑल आर नॉट बॉर्न रिच, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। यहाँ ऑल के साथ किसका यूज किया गया है, आर का, और सेकेंड सेंटेंस में इसका यूज किया गया है। ऑफकोर्स ऑल जो है ये एक सिंगुलर, इसके बाद आने वाली वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। प्लूरल कब होगी, जब ऑल जो है किसी अनकाउंटेबल नाउन को शो करे, और जब काउंटेबल नाउन के लिए ऑल आता है तब हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। और ये सारी चीज़ जो है हम सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड में डिस्कस करेंगे कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विच वर्ब शुड बी यूज्ड, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम कौन सी वर्ब को यूज़ करते हैं। फ्यू वर बर्नड, मैनी एस्केप्ड, ये सारे जो हैं फ्यू मैनी, ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, सारे डिटर्मिनर्स हैं ये, और इनका एक अलग से चैप्टर जो है लेटर ऑन आई विल डिस्कस। ओनली यू कैन कम, अदर्स मे गो, तो ये सारे जो हैं सब इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। ऑफकोर्स इनका जो इनकी जो पोजीशन है सेंटेंस में कहीं पर भी हो सकती है, बट दे डू नॉट रेफर या पॉइंट आउट टू पर्टिकुलर नाउंस, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज इनडेफिनेट प्रोनाउंस। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन अपने आप में एक बहुत वाइड चैप्टर है, या हम कह सकते हैं कि इस पर एक वीडियो, अलग से वीडियो बनाया जा सकता है। यहाँ पर हम सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में देखेंगे और इसके जो रूल्स हैं वो हम एक पर्टिकुलर एक न्यू वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा, जिसमें हम पर्टिकुलर रिलेटिव प्रोनाउन को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी बार रिलेटिव प्रोनाउन से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं एरर के रूप में, और इवन जो है फिलप्स के रूप में भी प्रैक्टिकल रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ पूछा जाता है। तो अभी हम यहाँ पर एक समराइजेशन देख लेते हैं इसका कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो डेफिनेशन देखिए, अ रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज टू कनेक्ट अ क्लोज और फ्रेज टू अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज एक क्लोज, क्लोज का मतलब यहाँ पर आप एक सेंटेंस ले लीजिए, किसी भी सेंटेंस को, या किसी भी सेंटेंस का कोई पार्ट हो सकता है या कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। द क्लोज यानी कि वो जो सेंटेंस होता है मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स द नाउन, वो उस नाउन को डिस्क्राइब करता है। द मोस्ट कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस, वैसे तो रिलेटिव प्रोनाउंस कई हैं लेकिन जो कॉमनली जो यूज किए जाते हैं और जो वाइडली नोन है वो कौन कौन से, हु, हूज, हुम, ये पर्संस के लिए यूज किए जाते हैं, विच एंड दैट, ये थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज किए जाते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हो गए, हु, हूज, हुम, ये पर्संस के लिए यूज होते हैं, और फोर्थ वन विच, एंड फिफ्थ वन इज दैट, ये नॉन लिविंग थिंग एनिमल्स या ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज किए जाते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन देखिए, अ रिलेटिव प्रोनाउन इज वन विच इज यूज्ड टू रेफर टू नाउन्स मेंशन्ड प्रीवियसली, यानी कि वो नाउन जिसको प्रीवियसली मेंशन किया गया है उसको रेफर करने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, उसी के बारे में बताने के लिए। वेदर दे आर पीपल, चाहे वो कुछ पीपल हों, प्लेसेस हों, थिंग्स हों, एनिमल्स हों और आइडियाज हों, इनको रेफर करने के लिए हम जो है प्रीवियसली इनको यूज किया जाता है, और आगे इनको बताने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। रिलेटिव प्रोनाउंस आर प्लेस्ड डायरेक्टली आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है उसका यूज कहाँ होता है, नाउन और प्रोनाउन के जस्ट बाद में
उसको यूज़ किया जाता है, उसको रखा प्लेस किया जाता है दे मॉडिफाई, जिसे वो मॉडिफाई करते हैं। एग्जाम्पल से आपको अच्छा समझ में आएगा, जैसे द ड्राइवर, ये ड्राइवर एक नाउन हो गया। अब इसी को आगे डिफाइन किया गया है, ड्राइवर को हमने ऑफकोर्स हु का यूज़ किया गया है क्योंकि ड्राइवर पर्सन है। द ड्राइवर हु वॉज रनिंग द बस वॉज केयरलेस। तो यहाँ पर दो सेंटेंस हैं, एक तो द ड्राइवर वॉज रनिंग द बस एंड ही वॉज केयरलेस, इसको हमने हु से कनेक्ट किया, द ड्राइवर हु वॉज रनिंग द बस वॉज केयरलेस। उसी तरह से सेकेंड जो है, आई नो द मैन हुज नेम इज राम, यहाँ पर हमने हुज का यूज़ किया और ये किसको डिफाइन कर रहा है, मैन को। आई नो द मैन, मैन के बारे में बताया है कि हुज नेम इज राम, ये भी पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है। थर्ड, द चिल्ड्रन हुम वी लव, यहाँ पर चिल्ड्रन के बारे में बताया गया है कि हुम वी लव नीड बेटर एजुकेशंस। तो हुम जो है ऑफकोर्स ये भी हमने पर्सन के लिए यूज़ किया गया है, हु हुज और हुम, ये तीनों पर्सन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनके कई सारे रूल्स हैं, हम एक सेपरेट वीडियो में इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी सिर्फ हम यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन की एक डेफिनेशन और उसके टाइप्स, उसके जो एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट आर द रिलेटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट देखिए, द बुक, ऑफकोर्स ये ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग है, विच यू वॉन्ट हैज ऑलरेडी बीन सॉल्ड आउट। तो बुक के लिए हमने विच का यूज़ किया और इसके लिए हम नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट के लिए दैट का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे द पुलिस नीडेड डिटेल्स दैट कुड हेल्प आइडेंटिफाई द रॉबर, द पुलिस नीडेड डिटेल्स किस लिए, दैट कुड हेल्प आइडेंटिफाई द रॉबर, उसको डिटेल्स की ज़रूरत थी ताकि वो रॉबर को आइडेंटिफाई कर सके। तो दो सेंटेंस बीच में हमने कनेक्टर यूज़ किया रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का। इसमें भी हम देखेंगे कि विच कहाँ पर आता है, दैट कहाँ पर आता है, दोनों नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कहाँ पर विच का यूज़ किया जाएगा, कहाँ पर दैट का यूज़ किया जाएगा। एक नॉट यहाँ पर मैंने डाला हुआ है, समटाइम्स व्हेन एंड वेयर कैन बी यूज्ड एज रिलेटिव प्रोनाउंस एज वेल। यहाँ पर व्हेन एंड वेयर इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और कैसे यूज़ किया जाता है, वैसे तो व्हेन टाइम को शो करता है और वेयर प्लेस को शो करता है, तो ये तो वैसे इंटरोगेटिव एडवर्ब्स होनी चाहिए या WH वर्ड्स हैं ये, लेकिन जब ये दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं तब हम इनका यूज़ एज अ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इनको यूज़ किया जाता है। जैसे आई रिमेंबर अ टाइम, मुझे वो समय याद है व्हेन रेडियो शोज वर पॉपुलर। तो यहाँ पर हमने व्हेन, दो सेंटेंस को व्हेन से कनेक्ट किया। और सेकंड देखिए, दिस इज़ द प्लेस वेयर वी मेट, ये वही स्थान है, ये वही जगह जहाँ पर हम मिले थे। तो व्हेन एंड वेयर, व्हेन जो है टाइम को शो करता है और वेयर जो है प्लेस के बारे में बताता है। तो इस तरह से हमने रिलेटिव प्रोनाउन को भी यहाँ पर देखा कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है किसी भी क्लॉज और फ्रेज को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, यूज़ किया जाता है। और हमने रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु, हुज, हुम, विच एंड दैट और ऑफ कोर्स लास्ट में व्हेन एंड वेयर को भी देखा। इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में जो हमारा फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउंस को डिस्कस किया था, पजेसिव प्रोनाउंस को डिस्कस किया, इनडेफिनेट प्रोनाउंस के बारे में बताया और फोर्थ नंबर जो हमारा था रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। नेक्स्ट वीडियोस में या जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम प्रोनाउन के अगले टाइप के बारे में बात करेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, अभी तक के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।